रहमानिर्रहीम, आज हम बनाएंगे चिक्कर चने। उसके लिए हमने चने बॉईल कर लिए हैं। अब हम ऑयल लेंगे पतीले में, थोड़ी देर ऑयल को हम गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। मैंने बारीक कटी हुई प्याज ली है, आप चाहें तो फाइन चॉप प्याज ले लें। प्याज लाइट ब्राउन हो गया, अब इसमें मैं अदरक और लहसुन चॉप किया हुआ डाल दूंगी। अदरक लहसुन डालने के बाद एक मिनट के लिए मैं इसको फ्राई करूंगी। अब इसमें चॉप्ड टमाटर ऐड करेंगे, एक अदरक टमाटर ली थी मैंने। हाफ टी स्पून नमक ऐड करी हूँ मैं इसमें, क्योंकि चने बॉईल करते हुए मैंने नमक ऐड किया था। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून सूख मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1/3 इसमें मैं पानी ऐड करी। हाफ कप मैं इसमें दही ऐड करी। थोड़ी देर इसको पकाएंगे, फिर हमारा मसाला रेडी हो जाएगा और बाकी प्रोसीजर देखते हैं हम क्या करते हैं। 3 अदद बारीक कटी हुई सब्ज मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं। थोड़े से चने हमने ले लिए और 1 अदद आलू, इनको मैश कर लेंगे। पोटैटो मैशर से ही मैं इसको मैश कर रही हूँ, आप इसको चॉपर में भी कर सकते हैं चॉप। हमने पोटैटो और चने अच्छे से मैश कर लिए हैं, अब हम इसको मसाले में ऐड करेंगे। हमने ऐड कर दिए इसमें मैश्ड पोटैटो और चने। अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्च ऐड करी हूँ मैं इसमें। वन टी स्पून गरम मसाला, इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे, फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी। बॉइल्ड चने अब इसमें ऐड कर रहे हैं। इसको थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें पानी ऐड कर लेंगे।
मैंने फ्राई कर लिए हैं, अब इसमें पानी ऐड करी हूँ थोड़ा सा। थोड़ी देर के लिए इसको पकाएंगे। हमारे चिक्कर चने बिल्कुल रेडी हैं, बस हमने जो पानी डाला है उसको थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह चिक्कर चने बिल्कुल रेडी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह चिक्कर चने बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें बहुत अच्छे से हमारे चने कुक हो चुके हैं। देखें कितनी अच्छी लुक आई है इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह चिक्कर चने बिल्कुल रेडी हैं, हमने डिश आउट कर लिया है, अब हम इन्हें खाएंगे और ये संडे का नाश्ता होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।